हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल। और जस्ट की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बिफोर ईच क्या होता है, कब इसको यूज़ करते हैं, सब कुछ इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप टेस्ट केसेस लिखते हो तो आपको हर एक टेस्ट केस से पहले कुछ एक फंक्शनैलिटी होती है जो रन करनी होती है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका फंक्शन का आउटपुट है, जो आप टेस्ट कर रहे हो, फंक्शन के आउटपुट किसी ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो उसके लिए बिफोर ईच यूज़ करते हैं। बिफोर ईच का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने चार टेस्ट केसेस लिखे, तो वो बिफोर ईच वाला जो पार्ट होगा ना आपका, वो चार बार ही चलेगा और वो उन चारों से पहले एक एक बार चलता रहेगा। ठीक है, देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्चुअली तीन फाइल्स बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फाइल बनाता हूँ, लेट से फेच डेटा करके बनाता हूँ, एक फेच डेटा डॉट जे एस। ठीक है, इसके अंदर मेरी फंक्शनलिटी लिखता हूँ, एक लेट से मेरे पास एक फंक्शन है फेच डेटा करके, राइट right. और ये कुछ रिटर्न कर रहा है वैल्यू, लेट से ये रिटर्न कर रहा है हेलो। ठीक है, और इसके लिए हम टेस्ट केस लिखेंगे, तो और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट के अंदर हम लिखते हैं फेच डेटा। परफेक्ट। सो अब मुझे एक फाइल और बनानी है, लेट से कॉमन डॉट जे एस। मान लो कि ये जो इसके अंदर एक फंक्शन होगा जो आपका चाहते हो कि आपके हर एक टेस्ट केस के रन होने से पहले चले ही चले। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, फंक्शन कॉमन, और इसका रिटर्न मैं बेसिकली लिखता हूँ, लेट से इनिशियल डेटा, लाइक दिस। ठीक है, और इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, और इसके अंदर हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं कॉमन को। ठीक है, सो अब मैं एक टेस्ट केस वाली फाइल बनाता हूँ, तो टेस्ट केस के लिए कोई किसी कोई कुछ भी नाम रख सकता हूँ फाइल का, बट मैं रख लेता हूँ फेच डेटा डॉट टेस्ट डॉट जेएस। आपकी जो टेस्टिंग फाइल होती है उसका नाम टेस्ट डॉट जे एस होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो, जो पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हो, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लेकर वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैं दोनों फंक्शन को एक्सपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं कॉन्स्ट लेता हूँ और कॉन्स्ट के अंदर लिखता हूँ बेसिकली फेच डेटा, और यहाँ से मैं रिक्वायर्ड करता हूँ फाइल को, सॉरी फेच डेटा को ही, फेच डेटा। ठीक है, इसके अंदर से मेरा फंक्शन एक्सपोर्ट हो गया। सेम तरीके से मैं कॉमन को भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, लेट से कॉमन, और वो भी कॉमन वाली फाइल से ही निकल के आएगा। लाइक दिस फाइल। ठीक है, सो अब मैं एक टेस्ट केस लिखता हूँ। टेस्ट केस लिखने के लिए आपको पता है कि हमें टेस्ट फंक्शन की ज़रूरत होती है। इसके अंदर हम लिखते हैं फेच डेटा टेस्टिंग, और इसके अंदर दो पैरामीटर लेता है बेसिकली, एक के अंदर ये मैसेज लेता है, और दूसरे के जो दूसरा फंक्शन होता है वो कॉल बैक फंक्शन होता है, उसके अंदर ये अपना टेस्ट केस लिखता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फंक्शन एक्सपेक्ट, और एक्सपेक्ट के अंदर मैं लिखूँगा फेच डेटा, और फेच डेटा जो रिटर्न कर रहा है वो हम देखेंगे टू बी के अंदर मैच करेंगे। ठीक है, टू बी के अंदर इस फंक्शन ने क्या मैच क्या रिटर्न करा है, इसने करा है हेलो। ठीक है, तो मैं सेम यहाँ पे मैच करवा सकता हूँ, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, अब मैं इसको सबसे पहले रन करके देखता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन पी एम रन टेस्ट, ये टेस्ट केस पास हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन से पहले मेरा एक और फंक्शन एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, बिफोर ईच। ठीक है, बिफोर ईच का क्या मतलब है कि जितने भी मेरे टेस्ट केसेस होंगे ना, सबसे पहले अपने आप ही रन हो जाएगा। ठीक है, हम हर एक केस से एक दो केस और बना के भी देखें कि हर एक केस से पहले रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो बिफोर ईच, और बिफोर ईच अपने आप में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, वॉन, किसको वॉन कर सकते हैं, कॉमन फंक्शन को, कि जो इसके अंदर यहाँ से रिटर्न हो रहा है ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या अभी ये रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, सो
आप चेक कर सकते हो इनिशियल डेटा, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं इनिशियल की स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। ये रन हो गया। अब मैं यहाँ पे दो फंक्शन रन करके देखता हूँ कि क्या दोनों फंक्शन से पहले ये रिटर्न हो रहा है, ठीक है। मैंने दो फंक्शन बनाए, आप अलग अलग भी बना सकते हो, मैं कॉमन ही बना रहा हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो अब देखिए आप देख सकते हो कि ये दो बार दो टेस्ट केसेस रन हुए हैं, और जो इनिशियल बिफोर ईच था ये दो बार कॉल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि हम अगर कोई भी ऐसी फंक्शनलिटी हो जो हमें हर एक टेस्ट केस से पहले रन करवानी हो, क्योंकि उसके ऊपर हमारी कोई डिपेंडेंसी है, तो उसको आप बिफोर ईच के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।